गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। मौसम बहुत ज़बरदस्त है, आज धूप निकली हुई है, तो डेफिनेटली हमारा प्लान बन चुका है, हम बाहर जा रहे हैं, सिनेमा पे जाएंगे और शॉपिंग करेंगे। आज का हमारा ये प्लान है और आपको दिखाएंगे कौन सी फिल्म हम देखने जा रहे हैं, किस सिनेमा में जा रहे हैं, और आउटसाइड का मौसम भी आपको दिखाएंगे। आप भी इंजॉय कीजिएगा मेरे साथ और मैं आज ट्राई करूँगी बेस्ट कि आपको आज की स्टोरी जो है वो डेफिनेटली सुना दूँ। तो नहीं है आज नाश्ता, नॉर्मल नहीं खा रही हूँ, डाइट वाला। जी हाँ, जैसे कि मैंने कहा, दो दिन से शुरू की हुई है, तीसरा दिन है तो डाइट कर रही हूँ, कोशिश पूरी है कि हो जाए, लेकिन कल थोड़ा सा मैंने चीट कर लिया था। तो आज क्या करने लगी मैं, आज मैं डाइट फिर से स्टार्ट करने लगी। हम इस वक्त गाड़ी में बैठ चुके हैं और मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा सही तरह से कि मैं क्या फिल्म बना रही हूँ, क्योंकि मौसम जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त, धूप निकली हुई है, ये देखिएगा धूप निकल गई है, मौसम अच्छा लग रहा है, लेकिन हल्की हल्की सी बारिश। तो अब हम निकलेंगे और मैकडॉनल्ड से पहले हम नाश्ता लेंगे, फिर हम जाएंगे सिनेमे की तरफ। गाइज, हम यहाँ पे पार्क कर लिए, मैनचेस्टर में पहुँच चुके हैं, गाड़ी पार्क हो गई है, इधर सम बैठी हुई है, तो ये मंकी अपने फ़ोन में लगा हुआ है, मेरे हस्बैंड व्हील चेयर निकाल रहे हैं और हम अब जा रहे हैं। पहले तो हम जाएंगे टिकट लेने के लिए सिनेमा के, अगर तो मिल गए, 12 बजे का शो घंटे में है तो फिर वो देख लेंगे हम, तो उसके बाद शॉपिंग करेंगे क्योंकि साथ में ही शॉपिंग सेंटर है। और अगर वो टिकट नहीं मिले 12 बजे वाले, तो फिर 3 बजे वाले लेंगे ताकि पहले हम शॉपिंग कर लें तो बाद में फिल्म देख लें। इस तरह से दो चांसेस हैं हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग का बड़ा मसला होता है और टिकट जो होते हैं वो फुल हो जाते हैं बहुत ही जल्दी, बिक जाता है सिनेमा जो होता है ना, बहुत ही जल्दी फुल हो जाता है। आपको बाहर से भी दिखाती चलूँ, कितनी प्यारी प्यारी बिल्डिंग्स है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बैठे हुए हैं तो टिकट भी हमें ज़रा जल्दी आना पड़ता है और पार्किंग की वजह से, ताकि हमें ना पार्किंग मिल जाए। शुक्र है पार्किंग तो मिल गई है, बहुत अच्छी जगह मिल गई है, जहाँ पे मिली है खुली पार्किंग है। तो अब हम निकलेंगे और उसके बाद आपको मिलते हैं। गाइज, हम ना थोड़ा सा यहाँ पे ना मस्ती कर रहे थे रास्ते में, आते आते ना पूछ रहे थे एक दूसरे को, मैंने शाम से पूछा, शाम एक सवाल का जवाब तो दो, तो बड़ा हम ना हंसे। आई डोंट नो कि वो सवाल यहाँ पे करना चाहिए कि नहीं, आपको बताना चाहिए कि नहीं, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ आपको। हमने बस ऐसे ही गपशप लगा रहे थे चिकन और हैन के बारे में, कि सब जैसे कहते हैं ना कि चिकन एंड हैन वो उनके एग्स होते हैं, तो मैंने कहा के शाम को, क्योंकि वो इस तरह के क्वेश्चन बहुत जल्दी मुझे आंसर कर देती है, उसे छेड़ रही थी मैं। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि हर जानवर जो होता है, या इंसान या जानवर है, वो सब एक दूसरे से प्यार करते हैं, यानी कि हस्बैंड वाइफ, ठीक है, तो ये चिकन एंड हैन का क्या चक्कर है, ये एक तो ये प्यार करते हैं कि ये हस्बैंड वाइफ होते हैं, यानी इस तरह की बातें हम हंस रहे थे। तो शाम कहती है ऑब्वियसली करते होंगे या क्या है, मुझे तो नहीं पता, गूगल करते हैं, गूगल से उसने जवाब हासिल किया है जी, ज़बरदस्त जवाब ये है कि हाँ वो भी प्यार करते हैं एक दूसरे से, हस्बैंड वाइफ। तो हम वो हंस रहे थे, तो अभी हम देख रही है कि वाकई मैं उसका जवाब दे रही हूं कि नहीं, फिर भी मैंने आपको बता दिया है। अगर आपके पास इसका जवाब हो तो जरूर कमेंट कर सकते हैं, लेकिन प्यारे से कमेंट होने चाहिए प्लीज। स्टार्ट नाउ। नो वे, कम ऑन, से नो, आई कांट। जो भी बात मैंने आपसे कही थी ना थोड़ी देर पहले, आपको बता रही थी उसी के बारे में, मैं शाम को तंग कर रही हूँ कि नहीं, यहाँ पे वीडियो में बोलो। Tell me something about chicken. What was the first chicken or the egg? That's a good question. Or egg. No, hen or egg. What came first, the chicken or the egg? Which one? Always round, always. Nobody never answer. Never know the answer. किसी को पता है अंडा पहले आया या मुर्गी आई? तो अगर आपके पास जवाब है तो जरूर दीजिएगा, हमारे पास कोई इस चीज का जवाब नहीं है। वेरी गुड क्वेश्चन। ये है मैनचेस्टर और यहाँ पे ये ट्राम जो आती हैं वो मैं आपको ट्राम्स दिखा रही हूँ। ट्रेन और ट्राम जो होती है वो डिफरेंट होती हैं, जिनको नहीं पता उनके लिए बता रही हूँ। तो बहुत से लोगों को पहले से ही पता है ऑलरेडी कि ट्रेन क्या होती है और ट्राम क्या होती है, तो जो नहीं जानते उनके लिए है ये। Where are you going, son? मेरे हस्बैंड
उन्होंने क्या किया, आ रहे थे अभी आते आते क्योंकि काम जो थी वो चल पड़ी और वो वापस खड़े हो गए। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग पे वापस सब मोहम्मद रोड हाफ वे थ्रू एंड द ट्रेन केम एंड ही कम बैक अगेन। That's not a good video either. Who's gonna get knocked down by a tram? What happened? Sean? What? Sean came halfway through. What's funny? I'll catch him in the video. यहाँ पे एक पोस्टर लगा हुआ है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा क्यों ना इसको कैच करते अपनी वीडियो में। इसके बारे में डिटेल में अभी नहीं, टाइम नहीं है सारी डिटेल पढ़ने का जानने का। गाइस यहाँ पे आए, अंदर जब जाएंगे सिनेमा पे शायद म्यूजिक वगैरह लगा हो तो मैं बात नहीं कर सकूंगी शायद, तो मैं वैसे वीडियो बनाऊंगी। तो सिनेमा के अंदर हम जा रहे हैं और टिकट लेते हैं। Whatever. It's now 11 o'clock and the cinema is closed. Yes. What time the opening? 11:30. So cinema opening 11:30 and film starting 12 o'clock. What are we doing now? What are we going to do now? We're going to go and get a drink somewhere. Where? Either in that pub or... कुछ भी खुला नहीं है। अब देख रहे हैं हम कहाँ जाके बैठ के चाय वगैरह पी, तो चाय वगैरह देखते हैं हम कहाँ जाके पीते हैं क्या करते हैं। तो गाइस यहाँ पे ना हम आ गए हैं, ये है पब, लेकिन हम यहाँ पे आए हैं चाय पीने के लिए। हमने सोचा चलो कहीं तो जगह मिले बैठने के लिए, तो हम यहाँ पे चाय पीने के लिए बैठ गए हैं। आधा घंटा हमें गुजारना है तो हम आधे घंटे के लिए यहाँ बैठेंगे और उसके बाद फिर सिनेमा की तरफ चलेंगे। जी यहाँ पे हम मेन्यू अब देख रहे हैं, ये ऑब्वियसली आ गए तो कुछ थोड़ा बहुत तो ले लेना, हम ड्रिंक पिए या आप फिर बैठें। हम खाना नहीं खाएंगे क्योंकि ऑलरेडी नाश्ता खाया हुआ है, तो मेरे हस्बैंड ले लेंगे या बेटा ले लेगा कुछ, मैं तो नहीं लूँगी और शाम भी नहीं कुछ भी ले रही। अभी ना पता क्या बनी हुआ सम। Yes. Can you explain about this? It's £1.20 for a drink and three refills all day. All day. Day. So we'll go for cinema and come back. यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक बार आओ और पूरा दिन चाय पी लो फ्री में, जितनी भी एक बार पे कर लो। तो हम हंस रहे हैं कि हम यहाँ पे ऐसे करते हैं कि चाय एक बार ले लेते हैं और उसके बाद सिनेमा पे जाते हैं फिर वापस आके दोबारा से चाय ले लें। तो कहती है ऐसे तो नहीं करेंगे, वो बस हम मजाक कर रहे हैं, ऐसा होता तो नहीं है कि बार बार, लेकिन यहाँ पे सारा दिन हमें रहना पड़ेगा तब हम पी सकते हैं सारा दिन। ये है यहाँ की मेन्यू और हम देख रहे हैं कि खाना क्या खाएं। गाइस मैंने चाय ली है मेरे हस्बैंड के लिए और अगेन सॉरी बीन्स एंड टोस्ट है यहाँ से, और चाय जो है वो मैं बना रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ऐसी चाय मशीन पे बना के मैं आपको सही ठीक है। यहाँ पे ये मशीन है, यहाँ से मिल्क ऐड करेंगे और जी चाय बना के। अभी हमने बस नाश्ता ख़त्म किया है, सामने खाया और मेरे हस्बैंड ने खाया, मैंने तो कुछ भी नहीं खाया। तो यहाँ से हम सिनेमा की तरफ निकलने लगे क्योंकि खाना खा लिया है और टाइम हमारा हो गया है फिल्म का। We don't know how to control.
यहाँ पे जी मेरा बेबी लगा हुआ है गपशप 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 करने के लिए, वो जी हर किसी के साथ गप्पे पत्ता है माशाल्लाह। जैसे मैंने कहा ना कि जो मौसम अच्छा हो गया ना, हम आपको घर पे नज़र नहीं आएंगे अभी, क्योंकि मौसम अच्छा नहीं है, तो इसलिए हम ज़्यादातर घर में ही रहते हैं। हमने टिकट खरीद ली है और वो और फिल्मों की इंफॉर्मेशन ले रहा है, गपशप लगा रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि हर कोई इसको ना जानने लग गया माशाल्लाह यहाँ पे ना, जिसके साथ भी वो मिलता है ना फिर उसके साथ दोस्ती इसकी बन जाती है, तो फिर वो हमेशा मीट करता रहता है, क्योंकि हम रेगुलर यहाँ पे आते हैं रहते हैं, हर जगह हम रेगुलर जाने लग गए ना, तो इस वजह से ना हम इसको सब लोग पहचानना शुरू कर देते हैं। गाइस फिल्म फिनिश हो गई है और अब हम जा रहे हैं अंदर शॉपिंग करने, लेकिन मेरे बेटे ने कहा कि नेक्स्ट फिल्म भी देखनी है उसने, तो नेक्स्ट फिल्म का भी हम जो है वो ले लिए हैं, वो 7:20 पे फिल्म लगेगी। तो अभी हम एक फिल्म फिनिश किया, वो कहता है कि मैं आया हूँ तो क्यों ना फ़ायदा उठा लो, ऑब्वियसली जब बाहर निकलते हैं तो फ़ायदा उठाते होते हैं, तो इस वजह से कहता है कि मैं जल्दी से फ़ायदा उठा लूँ और एक और देख लूँ, क्योंकि मौसम ख़राब हो जाता है तो फिर आया नहीं जाता है। गाइस आपको एक मैं बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, ये बॉक्सेस हैं यहाँ पे आए हुए, ठीक है, ये सिनेमे पे, तो ये सिनेमे पे ये फिल्में जो है ना ऐसे प्ले करते हैं, इनके अंदर ये सारी सी फिल्म होती है हार्ड ड्राइव जैसे होती है, तो ये सिनेमे के लिए प्ले होती हैं, ये पहली बार मुझे यहाँ पे पता चला, देखने के लिए भी आज पहली बार मुझे मिला है, तो ये दिखाने जा रही हूँ मैं, ये देखो ऐसे होता है ये सारा कुछ। ऐसे ये बॉक्स आता है, फिर ईमेल आता है इनको, पासवर्ड वगैरह, वो चाबी मिलती है, तो उसके साथ वो फिर प्ले करते हैं ना इसको प्रोजेक्टर के जरिए से, तो ये देखने के लिए आज हम आए। कितनी ज़बरदस्त चीज़ आपको दिखाई है ना, कभी भी इस तरह से नॉर्मली ये चांस नहीं मिलता ना बैकग्राउंड में कि क्या कैसे प्ले करते हैं कैसे नहीं है। मेरा बेटा तो हर चीज़ में इंटरेस्ट लेता है। Films are average about 1.5 gig, something like that. Yeah, yeah. In total, if it's for the IMAX, it's probably about 2.5. We went to तो गाइस देखा आपने आज क्या मैंने आपको दिखाया है, तो जब मैंने कहा ना जैसे कि मौसम अच्छा हो ना आपको बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें, क्योंकि मेरे बेटे का जो इंटरेस्ट है, मेरा इंटरेस्ट, मेरे हस्बैंड का जिन चीज़ों में है ना, वो आम नहीं मिलती हैं, जैसे कि बैकग्राउंड में जाके सिनेमे की सारी चीज़ें देखनी और ये सारा कुछ फिल्म कैसे प्ले होती है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको फ्यूचर में ज़रूर दिखाऊंगी। पहले भी हम बहुत बार जा चुके, लेकिन मैंने उस वक्त ब्लॉग चैनल नहीं अपना बनाया था, अब मैंने ब्लॉग चैनल जब बना लिया है तो मैं ये सारी जगहों पर जाके आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी। अब तक मेरे बेटे की बातें ही नहीं ख़त्म होती हैं। गाइस ये हम आंडर सेंटर के अंदर जाने लगे हैं, मैं आपको दिखा दूँ बाहर देखे, देखने में कितना खूबसूरत ज़बरदस्त मौसम रहता है, लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा है, बहुत सर्दी है, क्योंकि यहाँ से बस थोड़ा थोड़ा पीछे से बस चल के इधर आए हैं यहाँ से, इतने आने से ही सर्दी इतनी लगने लगी है। आलू ग्रेग्स के चिप्स लिए, जल गया मुंह जल गया, गरम इतने ज्यादा है, टेस्टी भी है। मेरा शहजादा जा रहा है गेम शॉप पे एंड HMV पे, हम जा रहे हैं अभी यहाँ से चाय लेने के लिए, तो बेटे और हस्बैंड को छोड़ा है मैंने गेम शॉप पे, वो दोनों गेम्स देख रहे हैं, तो हमने कहा चलो उतनी देर में हम ना चाय ले आते हैं, तो चाय पी लें साथ साथ में और साथ साथ में शॉपिंग भी कर लें। मैं देखती हूँ मैं क्या क्या देखना चाह रही हूँ और कहाँ कहाँ हम शॉपिंग करते हैं। कल हम यहाँ पे पहुँचे हैं चाहिए, तो यहाँ पे काफ़ी केक भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन मैं ट्राई बेस्ट कर रही हूँ कि डाइट को अपनी स्ट्रिक्ट रखूँ, अब तक मैंने कोई चीट नहीं की है, डाइट में स्ट्रिक्ट स्टिल जारी है। चाहे मैं आपको अपना फेवरेट वाला केक, मैं यहाँ पर आती हूँ ना, तो ये मेरा फेवरेट केक है, मैं तकरीबन ये वाला केक हमेशा खाती रहती हूँ। So Sam, where are we going tomorrow? We're going for a massage. Are you excited? Yeah.
Yeah, I can't wait. It's so nice. Nice, relax. Yeah. When are you excited? I'm very excited because I'm used to with massage and I have not had a long time now. How long? We've been to Norton? 2 years? No, oh, yeah. A year ago. Yeah, because of the COVID, we didn't go anywhere. Yeah. So we're both excited for tomorrow. And after this, what are we going to do? Facial or pedicure? Manicure? Pedicure, but I'm not being videoed in the massage. I think you're doing it. बचपन दोबारा वापस आ रहा है ना. हाँ जी, यहाँ पे मेरे हस्बैंड का बचपन दोबारा वापस आ रहा है. कहते मैंने ये वाला लेना है टॉय तो लेके देना चाहिए. क्या ख्याल है, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? मुझे कह रहे मुझे ये वाला लेके दो, बहुत अच्छा लगा, कुशन की तरह है, तो ये लेना है इन्होंने. मैंने कहा ये क्या करना है, इसको होल्ड करना है. लो जी, लो जी. वाकई बचपन बहुत अच्छा होता है, बचपन याद आता है ना, तो अब इनको बचपन बचपन याद आ रहा है. हाँ जी गाइस, खिलौना लेके छोड़ा है. हाँ जी, हाउ यू फील? खिलौना है, खिलौने के साथ कैसे फील कर रहे? टेडी नहीं, क्या लग रहा है? खिलौना लेके बच्चे बचपन याद आ गया. देख लें जी, इन्होंने खिलौना अपना ले लिया, तो जी बचपन याद आ जाता है. ये है इनका टॉय जो इनको बहुत पसंद है, टेडी बेयर. तो गाइज, आज की स्टोरी जो है उसका टाइम हो चुका है. मेरी लाइफ कहानी, मेरी जुबानी, मेरी लाइफ की स्टोरी की एपिसोड. तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना यहीं पे चलते चलते ही आपको आज की स्टोरी बताऊं, क्योंकि उसके बाद टाइम नहीं होगा, दूसरी फिल्म हमारी शुरू हो जाएगी. हमने अभी शॉपिंग कर ली है जितनी करनी थी, तो अब खाना बैठ के खाने लगी है अंदर जाके. तो उतनी देर में मैंने कहा चलो मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ. आज की जो स्टोरी है वो ये है कि जब स्कूल के ज़माने के बाद, जब मेरी इंगेजमेंट होगी उसके बाद, वहाँ तक हम पहुँचे थे. तो इंगेजमेंट के बाद जो था उस वक्त का ज़माना था, तो हम ना, हमारी जो फैमिली थी ना, वो सारे चचा और मेरे डैड, हम सब एक ही घर में रहते थे. तो मेरे दादाजी ने कहा कि है तो मकान बहुत बड़ा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर कोई ना मेरा बेटा अपना अपना मकान ले, और जिनकी ज़्यादा जगह हमारे पास हो जाए, और हम लोग यानी कि एक दूसरे की घर पे आए जाएँ, हर तरह से बढ़ाना चाह रहे थे यानी कि अपनी जायदाद को, ठीक है, इस तरह से. तो उन्होंने फिर एक मकान लिया और हमें कह दिया पहले सबसे, क्योंकि मेरे डैड सबसे बड़े थे, कहते दो मकान लिए थे, बल्कि हमें कहा कि वहाँ पे जाओ. तो हमारे लिए फिर उन्होंने खुद मकान बनवाया, फिर हम वहाँ पे मूव हुए. लेकिन वो मकान ज़्यादा दूर नहीं था, जहाँ पे हम पहले रहते थे ना, उसके दो तीन मकान छोड़ के सेम स्ट्रीट में ही मकान था. तो वो लेके दिया उन्होंने हमें. तो मेरे दूसरे चचा को जब कहा, मेरे दूसरे चचा कहते मैं भी नहीं जाना, उनकी वाइफ भी सब कहते. तो बच्चे भी, एक ही बेटा था उस वक्त. तो उन्होंने कहा कि हमारा दिल लगता है यहाँ पे, हमने नहीं जाना है, हमसे नहीं होगा. तो फिर वो नहीं गए तो हम चले गए. तो ये यहाँ पे इस तरह से स्टोरी थी. तो इसके बाद जो था वो क्या कहते हैं, हाँ, तैयारियाँ वगैरह. मेरी इंगेजमेंट के बाद फिर मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड के जो डैड हैं वो फौत हो चुके थे,
तो एकदम से बस परेशानी इधर आ गई थी थोड़ी देर के बाद ही। तो उसके बाद फिर क्योंकि इनकी मॉम फिर अकेली रहती थी तो सबने कहा कि इनकी भी शादी कर दो। तो जब कुछ साल यानी कि मैं मंगनी के बाद 5 साल, हाँ 5 साल मेरी मंगनी रही है, और 5 साल के अंदर अंदर हमने क्या किया मैं आपको बताती हूँ। कभी भी एक दूसरे को फ़ोन नहीं किया था, कभी भी एक दूसरे को लेटर नहीं लिखा था, कभी ज़िंदगी में बात नहीं की थी हम दोनों ने एक दूसरे के साथ, ना कभी मिले थे। और मिले कब थे, जिस दिन हमारी शादी हुई है पहली बार उस दिन हम मिले। तो हम एक दूसरे को हमने नहीं कभी भी देखा था, बस सिर्फ वीडियोज़ और फिल्में देखी हुई थी, एक दूसरे की तस्वीरें वगैरह देखी हुई थी बस वैसे। तो ये आज की स्टोरी मेरा ख्याल इनफ होगी क्योंकि मैं वॉक भी कर रही हूँ और बाहर आई हुई हूँ। तो बाकी व्लॉग में आपके साथ बात होती रहेगी। गाइस अभी मैंने मैंगो जूस लिया था, वो पिया है और कुछ खाना भी खा लिया है। तो जी मैंगो जूस पीने के बाद इतनी हेडेक हुई, इतनी सर में दर्द शुरू होगी एकदम से, बिकॉज वो ठंडा बहुत ज़्यादा था और ठंडा होने की वजह से ना मेरे सर में इतनी दर्द शुरू होगी बहुत ज़्यादा। सॉरी मैं वो लिफ्ट का बटन प्रेस कर रही थी तो मेरे सर में इतनी दर्द हुई ना एकदम से, ठंडक मेरे से दिमाग तक चली गई, ठंडा ठंडा मुझे ना फील हुआ बहुत ज़्यादा। अभी मैं लिफ्ट में जा रही हूँ ऊपर, तो उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा स्पोर्ट्स डायरेक्ट में जाऊँगी एंड फिर मैं रिवर आइलैंड सोच रही हूँ, और उसके बाद फिर हम सिनेमा पे दूसरी फिल्म के लिए जा रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि दूसरी फिल्म भी हम देखने जा रहे हैं। मैंने बस लिफ्ट तो ले ली है लेकिन 13 लेवल तक चली गई ऊपर तो मैंने नीचे जाना था सिर्फ एक ही फ्लोर, तो अभी ये लेवल 13 तक नीचे जाएगी। गाइज हम यहाँ पे ना आके स्पोर्ट्स डायरेक्ट में बैठ के हैं और मैं शूज़ देख रही हूँ अपने डैड के लिए और अपने नेफ्यू के लिए शूज़, मैंने ये वाले शूज़ उसको भेज रही हूँ पाकिस्तान, मेरा फेवरेट। नेफ्यू को नहीं, सारे मेरे फेवरेट ही है, ये स्पेशल है ज़रा थोड़ा सा, इसको सभी प्यार तो सभी को करते हैं, सारे नेफ्यू मेरे स्पेशल ही है लेकिन ये ज़रा होता है कि इसके साथ ना सारे बहुत करते हैं। तो उसने मुझे कहा कि मेरे लिए ये शूज़ दे दो, तो मैंने कहा चलो मैं आज शूज़ ले लूँ, डैड के लिए भी लेने हैं और मेरे हस्बैंड भी देख रहे हैं शूज़, तो उन्होंने भी हाँ तो वो भी पसंद कर रहे हैं शूज़। अभी लेने गया हुआ है जो यहाँ पे काम करती है ना, वो शूज़ बैकग्राउंड से लेने गया है, तो जब लेकर आएंगे तो फिर हम लेके तो फिर हम यहाँ से निकलते हैं, सिनेमा के लिए भी लेट हो रहे हैं हम। गाइस आई होप कि आपको आज की ब्लॉग अच्छी लगी होगी और हम जा रहे हैं अब खाना खाने के लिए, शाम का खाना क्योंकि फिल्म होगी है फिनिश, तो यहाँ से लिफ्ट में जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो खाना खाने के बाद अब मैं ब्लॉग को करती हूँ अभी ख़त्म। तो अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।